कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामूली लक्षण मिलने पर मैंने टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षित रहने की भी अपील की है। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने 50 वर्षीय राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, मुझे राहुल गांधी जी की सेहत को लेकर चिंता है, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, हम सब आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं राहुल जी, इस संकट के समय में देश को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे, देश अपने जननेता का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, राहुल गांधी के कोरोना से संक्रमित होने के बारे में पता चला, बहुत चिंतित हूँ, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कामना करता हूँ कि राहुल गांधी जी कोविड से शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ हों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमण की वजह से एम्स में भर्ती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने में राहुल गांधी सरकार पर असफल होने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कई बार मांग की थी कि देश में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। हालांकि अब सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। अब तक 45 से अधिक आयु के लोगों को ही कोरोना का टीका लग रहा था, लेकिन अब 18 साल से अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल करने से इसका विस्तार होगा और बड़ी आबादी इसके दायरे में आ सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।